सारी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून है और अरबी फारसी संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक है। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया भी भारत और भारत के आजू बाजू में जो देश है, आप दुनिया का नक्शा देखेंगे उसको दक्षिण एशिया में हम कहते हैं, उसमें बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में जो आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं उसमें की एक भाषा है उर्दू, और पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। धर्म के नाम पे वो देश अलग हुआ है तो नहीं। इसके अतिरिक्त भारत के जम्मू और कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा है, साथ ही तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। अब बिहार का बाहर है क्योंकि वहाँ की। अब उर्दू शब्द कहाँ से है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा, जो तंबू बोलते ना वो, उसको खेमा बोलते हैं उर्दू में। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, यह भी एक प्रकार से उर्दू था, यानी क्या था, शाही और सैन्य पड़ाव ही था, किंतु बहुत बड़ा था। अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जबान ए उर्द ए मुअल्ला यानी श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू इस शब्द का अर्थ जबान ए उर्दू ए मुअल्ला यानी शाही पड़ाव में जो भाषा बोली जाती थी उसको उर्दू कहलाया गया। बाद में संक्षेप में मोहम्मद हुसैन आजाद इन उर्दू आदाब, इन इंग्लिश व्हाट इज योर नेम, इन उर्दू आपका नाम क्या है, माय नेम इज लक्ष्मी, इन उर्दू मेरा नाम लक्ष्मी है, बहुत सिंपल है हिंदी जैसा ही। हाउ आर यू, उर्दू में आप कैसी हैं,